अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस फैमिली ब्लॉग्स। और देखिए ना कैसे सो रही है, पूरी नींद में है, इसको कुछ भी मालूम नहीं है। और यहाँ पे आयान भी रेडी हो चुका है स्कूल के लिए, अभी और 5 मिनट है, बस आ जाएगा अभी, तो ये जाएंगे बस में ड्रॉप करने के लिए। और ये भी उठ गए हैं आज, नींद आ रही। रात को ठंडा, दिन में गर्म, मतलब शाम 4:30 या 5 बजे से बारिश शुरू हो जाता है, इसके कारण ठंडा रहता है रात को। कल तो पूरी रात बारिश हुई है और दिन में एकदम धूप। बैग ले लो, पानी बंद कर दो यार। इसको उठाना है, इसका भी स्कूल है, इसका स्कूल थोड़ा टाइमिंग लेट है, मतलब 9 बजे से होता है, इसीलिए मैं थोड़ा लेट ही उठाती हूँ। और ये थोड़ा देर से भी सोती है, आयान तो 10 बजे सो जाता है और ये नहीं सोती है। ये जिसके पापा जब तक ऑफिस का काम करता रहता है, फिर ऑफिस से नहीं आता है ना, तब तक वो नहीं सोती। इनाया इन्नी तो स्कूल जाना है ना, तो स्कूल से आज मैं लेके आई थी, इसके पापा का ऑफिस है आज। इना यहाँ पे अपना स्कूल का होमवर्क कंप्लीट कर रही है और मैंने इसको बोला भी नहीं, मैं नमाज़ पढ़ रही थी असर का नमाज़, और ये दोनों बाहर साइकिल चला रहे थे। अभी टाइम हुआ है 5:35, हुआ नहीं है और 2 मिनट है, मतलब मगरिब होने में टाइम है। मगरिब तो यहाँ पे 6:50 को होता है, तो टाइम है मगरिब के लिए और 1 घंटे से ज़्यादा ही है। तो ये लोग मतलब मगरिब 6:10 नहीं तो 6:15 घर के अंदर आ जाते साइकिल वहाँ पे पार्क करके। फिर मैं इनको दूध देती हूँ और कुछ नाश्ता दे देती हूँ खाने के लिए। फिर खाने के बाद नमाज़ पढ़ेंगे मेरे साथ आयान और इनाया दोनों मगरिब के, और फिर इसके बाद कनाडा पर स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करती है। कनाडा हाँ, पर आज इसने खुद से स्टार्ट कर दिया है। और ये कौन सा सब्जेक्ट कर रही हो तुम? कनाडा। और ये क्या है, ये वर्ड क्या है? मम्मी मैं अभी कनाडा बनेगी। अच्छा नहीं नहीं, ये वर्ड क्या है? वर्ड क्या है ये? आ आ, आ ये आ है, मतलब जैसा हमारे हिंदी में होता है ना, या फिर असमीज में होता है आ आ ई ई, जैसे मतलब असमीज में होता है ओ आ, तो ऐसे ही ये कनाडा है। तो इनाय को यूकेजी से मिला है, वैसे भी आयन को भी यूकेजी में ही मिला था, तो उन्होंने इसको भी ट्यूशन देना पड़ेगा, तो बेसिक है तो ये आयान लिख लेगा। और ये तो मुझे भी आता है थोड़ा बहुत, तो ये कर लेगी, खुद लिख रही है। मैंने प्रैक्टिस भी नहीं कराया था, ये स्कूल में आज स्टार्ट किया है शायद इसने, और घर में खुद से ही प्रैक्टिस कर। और है ये वाला, हाँ ये वाला आज एक ही पेज दिया है, एक ही पेज करो। हाँ। और आयान बाहर साइकिल चला रहे हैं और ये ऑफिस गए हैं क्योंकि आज है मंडे। मैं होमवर्क कम्प्लीट कर रही हूँ, बोलो। बाहर से आयन चिल्ला रहे हैं आओ, वो होमवर्क कर रही है खुद। बीबू बुला रही है, जाना है, ये लाइन कंप्लीट कर लो। हाँ, ये लाइन कंप्लीट करके बीबू के साथ जाके खेलो। हाँ। ठीक है, फिर दूध पीने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद अपना दो और सब्जेक्ट है, इंग्लिश और मैथ्स का, वो बाद में कर लो। एक ही लाइन है, मैं अभी नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, रखो अच्छे से, रख के जाओ। तो बर्तन है, दोपहर का भी है, मैंने धोया नहीं अंसीपन में, मतलब ब्लॉग्स किसी और का ब्लॉग्स देख रही थी,
और खुद का भी एडिटिंग करना था इसीलिए। तो अभी जाके धोऊंगी, रात के लिए खाना भी बनाना है। रात का खाना तो अभी नहीं बनाऊंगी, बच्चों को पढ़ा लूंगी, 8 बजे से बनाऊंगी। तो आज हमारे घर में तो इनाया ने यहाँ पे अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा, उससे पहले वो होमवर्क कर रही थी, फिर उसके फ्रेंड ने बुलाया तो चली गई थी, फिर आके इसने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। मुझे मैं पता भी नहीं चला क्योंकि मैं रूम में थी, मैं रूम में वीडियो एडिटिंग कर रही थी, तो उसी टाइम इसने कम्प्लीट कर लिया है। और तीनों बुक का ही कम्प्लीट कर लिया है, मैथ्स का भी, इंग्लिश का भी और कनाडा का भी। कनाडा का तो तभी आप लोगों के सामने ही किया था, सिर्फ एक ही लाइन का, वो भी कम्प्लीट कर लिया है। और अब ये मगरिब के नमाज के लिए रेडी हो गई है माशाल्लाह से। और मेरे दोनों बेटों को ही, मतलब बच्चों को ही, किसी की नज़र ना लगे, है ना। और अभी टाइम है, मतलब और 5 मिनट है मगरिब के लिए। तो बाहर बहुत बारिश भी हो रही है जम के, तो वजू करेंगे, फिर नमाज़ पढ़ेंगे, फिर बच्चे अपना होमवर्क, मतलब आया नहीं अपना स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करेगा और थोड़ा सा ऐसे ही मतलब प्रैक्टिस भी कर लेगा। साथ में मैं इसका टेस्ट ले लूँगी क्योंकि इसने स्कूल का होमवर्क तो कंप्लीट कर लिया है, तो मैं टेस्ट ले, हाँ, जो आज स्कूल में इसको सिखाया है, तो मैं ये ऑरल टेस्ट ले लूँगी इससे। और आयान का भी देखूँगी आज कुछ हुआ तो मैं टेस्ट। मूड है तो अच्छे से पढ़ लेते हैं दोनों ही, मूड नहीं है तो आधा घंटा क्या, 1-2 घंटा भी हो जाएगा, याद नहीं होगा दोनों को, है ना। और बाहर एकदम जम के बारिश हो रहे हैं, अभी भी हो रहे है बारिश। दिखा दें बारिश, क्या देखेंगे हर रोज बारिश, है ना। और कल से तो इन्हें जा रही है डांस क्लास, फिर वीकेंड आएगा तो फिर जाएगी डांस। आयान भी जाएगा, पर आयान का अभी नहीं, आयान का जुलाई से स्टार्ट होगा क्योंकि इस ईयर का मतलब ये लास्ट महीना है। हाँ, मतलब जो 10 to 12 ईयर्स तक या 14 ईयर्स तक है शायद से, तो आयन उस बैच में आएगा। और उस बैच में मतलब क्या हुआ कि मतलब अभी ये जून में, मतलब लास्ट में उनका जो लास्ट ईयर, मतलब जिन लोगों ने मतलब क्लासेस लिए थे, तो उनका भी ये जून लास्ट में एग्ज़ाम है डांस कंपटीशन का। तो वो ख़त्म होने के बाद फिर नया सेशन स्टार्ट होगा जुलाई से, तो आयान जुलाई से जाएगा और इनाया तो जा रही है, मतलब और 1-2 हफ्ते के बाद आयान भी जाएगा। और आयान को वो लोग बोल रहे हैं, मतलब उस मतलब 10 ईयर्स के, मतलब जो मतलब ऊपर के लोग हैं ना, उनको मतलब 4 डांस, मतलब ऐसा, मतलब ये स्टेप है जैसे कंटेम्परेरी है, फिर सालसा है, फिर बैले है और हिप हॉप है, उसमें से आप मतलब वो लोग देखेंगे, कुछ 1 महीना क्लासेस होगा, उसके हिसाब से उसके वेसेस के ऊपर मतलब वो लोग देंगे। फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है तो फ्री स्टाइल सिखाएंगे। तो हम लोग बोल रहे हैं फ्री स्टाइल ही सिखाने के लिए, कुछ ऐसा खास कुछ नहीं है। इनाया को भी हम लोगों ने फ्री स्टाइल में ही दिया है, तो अभी ये फ्री स्टाइल में जा रही है, आयन भी फ्री स्टाइल में ही जाएगा। पर फिर भी वो लोग बोल रहे हैं नहीं, हम लोग पहले देखेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे, पर देखते हैं उस टाइम में क्या होता है। तो यहाँ पे इनाया मुझे हेल्प कर रही है कपड़ा फोल्ड करने में, देख सकते हैं कितना कपड़ा है, सब कुछ धुला है कपड़ा है। उस दिन मैंने आपको दिखाया था, मैंने उसके बाद फ़ोन नहीं किया क्योंकि वीकेंड था ना, तो मतलब मन नहीं हुआ करने के लिए, तो आज भी धोया था कपड़ा, तो वो भी है, तो साथ में अभी कर रही हूँ, ये हेल्प करके रख रही है, मतलब फोल्ड कर रही है। हाँ, छोटे छोटे जो कपड़ा है इसका और भाईजान का, आयान का, तो वो मतलब फोल्ड कर रही है, बाकी मैं कर रही हूँ। और आयान यहाँ पे पढ़ के मोबाइल में कुछ देख रहा है, क्या देख रहे हो आयान? हाँ, टेक्नो गेम्स का यूट्यूब पे देख रहे है। पढ़ के हो गया है, 9 बज गया है, 9:15 ऐसे खाना दे दूँगी दोनों को डिनर, फिर 10 बजे तक सो जाएंगे, फिर क्योंकि कल फिर से स्कूल है। और बाहर अभी भी बारिश हो रही है, देख सकते हैं शाम से ही बारिश हो रही है, शायद 5:30 या 5:45 से ऐसे बारिश हो रही है। और थोड़ी देर रुका था,
भाभी फिर से चालू है बारिश, पता नहीं ये कैसे आएंगे, रेनकोट भी लेके नहीं गए हैं, तो देखते हैं कैसे आते हैं, भीग के आते हैं या फिर तब तक बारिश रुक जाता है, क्योंकि 9:30 बजे तो उनका काम ख़त्म होगा, आने में 10 बज जाते हैं, ट्रैफिक भी रहता है ना। हाँ।